Hello student, I am Ranjit Singh. Today I am going to teach 11.4 exercise time and work. Exercise 11.4 time and work. This is part one video of this exercise 11.4. First we discuss about the main topic related to time and work. We have learned that the number of workers is directly proportional to the amount of work done and inversely proportional to the time taken. Main topic baat hai is par. If a person takes an day to complete a task, agar koi vyakti jo hai kisi kaam ko complete karne ke liye an day le raha hai, then he or she can complete one upon n part of the task in one day. Iska matlab yeh hai कि वो जो है वन अपन एन पार्ट जो है एक दिन में उस काम का करेगा, यानी एन डे में तो वो पूरा काम कंप्लीट कर देता है। इसका मतलब है कि वन डे में वो वन अपन एन पार्ट को करेगा। एग्जांपल में हम देखते हैं कि इफ अ पर्सन ए कैन फिनिश अ जॉब इन टू डेज, अगर कोई ए व्यक्ति है जो दो दिन में काम को कम्प्लीट कर देता है, तो अगर वो वही काम तो वो उसका एक दिन का काम कितना होगा, वन अपन टू। ठीक है, सेकेंड टॉपिक इसमें देखते हैं। इफ ए पर्सन कंप्लीट वन अपॉन एन पार्ट ऑफ द टास्क इन अ डे, अगर कोई व्यक्ति जो है एक दिन में वन अपॉन एन पार्ट का काम करता है, तो इसका मतलब वो है कि ही या शी कैन फिनिश द टास्क इन एन डे। तो इसका मतलब वो है कि वो एन डे में वो काम पूरा कंप्लीट कर देगा, यानी एक दिन में वन अपॉन एन पार्ट काम करता है तो पूरे काम को वो एन डे में करेगा। एग्जाम्पल में समझ जाते हैं कि इफ ए पर्सन ए कैन डू वन अपॉन 12 पार्ट ऑफ द वर्क इन अ डे, यानी एक दिन में किसी काम का 1/12 यानी 1/12 पार्ट ही करता है, तो इसका मतलब है कि वो पूरा काम को 12 डे में कंप्लीट कर देगा। द थर्ड टॉपिक है, थर्ड है, इफ ए पर्सन ए कैन फिनिश अ जॉब इन एन डे, हर कोई व्यक्ति जो है ए किसी काम को एन डे में कंप्लीट कर दे रहा है। अनदर पर्सन बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन एम डे, दूसरा व्यक्ति उसी काम को एम डे में कंप्लीट करता है, तो दोनों जो है देन बोथ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वह एक दिन में 1+n+m पार्ट को काम करेंगे, यानी एक दिन का काम ए का और दूसरे दिन का काम, सॉरी ए का काम जो है हमारा एन डे है, 1/n, बी का काम एम डे में कंप्लीट होता है, यानी एक पार्ट जो है उसका 1/m, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में इतने भाग काम करेंगे। तो हैंस वर्किंग टुगेदर द नंबर ऑफ डेज दे टेक टू कंप्लीट द एंटायर टास्क, अभी एक दिन में तो वो मात्र इतना काम करते हैं दोनों मिलकर, तो एक पूरे काम को कम करना होगा, तो 1/(1+n+1/m) यानी इसका कर देंगे डिवाइड, तो यानी ये जस्ट अपोजिट कर दीजिए हो जाएगा इसका वैल्यू, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू एक दिन का ही आएगा, और 1/(5.6) इक्वल टू जस्ट अपोजिट हो जाता है 5/6 डेज में वो काम कंप्लीट करते हैं। अब इन्हीं बेस पर जो है टाइम एंड वर्क पर ही हम जो है एक्सरसाइज का रैपिड चेक 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इफ सूरज कैन फिनिश अ वर्क इन 12 डेज तो हाउ मच वर्क कैन ही कंप्लीट इन अ डे, तो सूरज जो है काम को 12 डे में कंप्लीट करता है तो वन डे में कितना कंप्लीट करेगा, तो सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा 1/12 पार्ट। ठीक है, यानी 12 डे में कंप्लीट करता है पूरा काम, तो एक दिन में 1/12 उस पूरे का जो है 1/12 भाग को करेगा। बी सेकेंड क्वेश्चन है, इफ राज कैन रीड 1/5 ऑफ अ बुक इन अ डे, राज जो है किसी बुक का 1/5 पार्ट जो है पढ़ लेता है एक दिन में, तो हाउ मेनी डेज वुड ही टेक टू रीड इट कम्प्लीटली, तो उस पूरे बुक को पढ़ने में कितना समय लगेगा, यानी 5 डेज। तो जो 1/5 पार्ट करता है एक दिन में, ठीक है, तो पूरे पार्ट को काम करेगा कितने दिन में करेगा, तो 1/1/5 यानी 5 डे।
जिनमें पूरा काम कर लेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ प्रिया कैन कंप्लीट अ जॉब इन 3 आवर्स, संगीता कैन कंप्लीट इट इन 4 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल दे टेक कंप्लीट द जॉब इफ दे वर्क टुगेदर। तो प्रिया जो है कंप्लीट करती है जॉब 3 आवर्स में, ठीक है, प्रिया कंप्लीट जॉब, इसको लिखते जा रहे हैं। ये जो है क्वेश्चन नंबर था 3, प्रिया कंप्लीट जॉब, प्रिया कंप्लीट जॉब इक्वल टू 3 आवर्स में, 3 आवर्स में। तो प्रिया जॉब को 1 घंटे में कितना करेगी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिया डू जॉब, प्रिया डज, डज जॉब इन 1 डे। तो 1 डे में कितना काम करेगी, 1/3 पार्ट। अब उसी तरह जो है संगीता, संगीता कंप्लीट जॉब इन कितने दिन में करती है, 4 आवर्स। तो संगीता जो है, संगीता 1 डे में कितना पार्ट करेगी, डज जॉब इन 1 आवर, 1 आवर्स में कितना काम करेगी, 1/4 पार्ट को करेगी। अब ये दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे, बोथ डू दिस जॉब इन 1 डे इक्वल टू 1/3 पार्ट प्लस 1/4 पार्ट। हम देखें 3 4 12, 3 4 4 3 जा, यानी ये जो है 7/12 पार्ट को काम किए दोनों मिलकर, ठीक है। तो नंबर ऑफ आवर्स टू कंप्लीट होल टास्क या नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स टू कंप्लीट होल टास्क या होल जॉब इक्वल टू 1/7/12, यानी ये हो जाएगा 1 × 12/7 इक्वल टू 12/7। इसको जो है हम कह सकते हैं 7 × 7 ये आर्स, HOURS आर्स। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 इज, टाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर्स व्हाइल टाइप बी कैन एम्प्टी इट इन 6 आवर्स, इफ बोथ द टैप आर केप्ट ओपन, अगर दोनों को ओपन कर दिया जाए तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक, तो टैंक को भरने में कितना समय लेंगे। तो सबसे पहले टैप ए कैन फिल द टैंक, टैप ए कैन फिल द टैंक फाइव आवर्स। तो टाइप ए कैन फिल द टैंक इन 1 आवर, टाइप ए कैन फिल द टैंक इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना भरेगा, तो यानी 1/5 पार्ट। टैंक ए हो गया, अब टैंक बी जो है एम्प्टी करता है 6 आवर में, टैंक बी कैन एम्प्टी द टैंक
in 6 hour. तो टाइप बी जो है उसको एक घंटे में कितना खाली कर देगा, तो 1/6 पार्ट खाली कर देगा। अब दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो बोथ बोथ दो टास्क बना हुआ, बोथ ऐसे लिख सकते हैं, बोथ टैप, क्या लिख सकते हैं, बोथ टैप फिल द टैंक इन 1 hour, एक घंटे में कितना भरेंगे, तो यानी 1/5 प्लस, देखिए तो एक भर रहा है और एक घटा रहा है, मतलब एक कम कर रहा है, तो यानी यहाँ पर जो है माइनस होगा 1/6। ओके, दोनों कैल्शियम जो है 6 5 30 5 6 30 6 5 30, यानी 1/3 पार्ट एक घंटे में दोनों मिलेंगे, एक खाली करेगा एक भरेगा, इस तरह एक घंटे में जो है केवल इतना पार्ट वो फिल कर पाएंगे, तो बोथ फिल द टैंक, यानी बोथ जो है दोनों, अगर बोथ टैप, बोथ टैप फिल, बोथ टैप फिल जब ओपन करते हैं, बोथ टैप ओपन देन फिल द टैंक इक्वल टू 1/30, यानी ये आपका जो है 30 आवर्स में वो कर देगा। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4, 30 आवर्स लगेंगे इसको भरने में। अब आते हैं एक्सरसाइज 11.4 पर, एक्सरसाइज 11.4 में क्या है कि टाइप ए कैन फिल अ सिस्टर्न इन 1.5 आवर्स एंड टाइप बी कैन फिल इट इन 1 आवर्स, इन हाउ मेनी मिनट्स विल द सिस्टर्न बी फिल अप इफ बोथ टैप आर ओपन एट अ टाइम। यानी टाइप ए जो है टैंक को 1+5 आवर्स में भरता है, जबकि टाइप बी जो है उसको, टाइप बी जो है उसको 1 आवर्स में भर देता है, और दोनों को ओपन कर दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा, क्वेश्चन ये रहा हमारा। तो इसका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तो नंबर ऑफ ए कैन फिल अ टैंक इसको लिखते हैं टाइप ए कैन फिल अ टैंक इक्वल टू 15 आवर्स, ऐसे लिखते हैं टैप ए कैन फिल द टैंक इन कितने आवर्स में, 1.5 आवर्स में। तो एक जो है टैंक को भरने में 1.5 आवर्स लेता है, तो 1 आवर्स में कितना भरेगा, टैप ए कैन फिल द टैंक इन 1 आवर, 1/1.5, यानी इसको जो है डेसिमल को हटा दे तो 10/15, 5 2 5 3, यानी 2/3 पार्ट को वो भरेगा 1 आवर में। अब आते हैं टाइप बी कैन फिल इन 1 आवर, तो
tab B can fill. Can fill the tank in 1 hour. तो इसी तरह टैब बी जो है कैन फिल टैंक इन 1 hour. तो 1 hour को अगर हम 1 minute करें तो 1 minute करें तो यानी 1/1 ही आएगा, ठीक है, यानी 1 hour में ही 1 part का जो है 1/60 भी हो सकता है. तो अगर 60 में बदल देंगे तो यह 1 ही मानते हैं, 1 part इतना काम करेगा, ठीक है. तो अभी ये तो हो गया. अब बोथ टैब अगर ओपन कर दिया जाए, बोथ टैब ओपन टू फिल अ टैंक, टैंक इन 1 hour इज इक्वल टू 2/3 + 1, यानी इसको 1 हम मान लेते हैं तो 3, 2 + 1, 3 = 3, यानी 5/3 आवर्स में, 1 घंटे में दोनों भरेंगे इतना भाग, सॉरी ये आवर्स नहीं रहेगा, पार्ट 1 इतना पार्ट जो है वो भरेंगे. तो टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली बोथ टैप टेक टाइम टू फिल टैंक कंप्लीटली. कितना होगा 1/5/3, यानी ये जो है ये हो जाएगा 3/5. अब ये जो है आवर में है तो इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं. तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे आवर को, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 36 मिनट. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में पहला इसमें है, मानवी कैन कंप्लीट हर असाइनमेंट इन 24 डेज. तो 24 डेज में कंप्लीट करता है तो मानवी कंप्लीट असाइनमेंट, मानवी कंप्लीट मेंट 24 डेज, 24 डेज में जो है असाइनमेंट कंप्लीट कर देती है तो 1 डे में कितना पार्ट वो कंप्लीट करेगी. तो इसको लिख सकते हैं पार्ट ऑफ असाइनमेंट कंप्लीटेड इन 1 डे, पार्ट ऑफ असाइनमेंट मेंट पार्ट ऑफ असाइनमेंट कंप्लीटेड इन 1 डे, 1 दिन में कितना कंप्लीट करेंगे तो 1/24 पार्ट, ठीक है. अब इस पहला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट पार्ट ऑफ द असाइनमेंट कैन सी कंप्लीट इन 5 डेज.
तो वन डे में जो है इतना पार्ट कंप्लीट कर रही है, सो इन फाइव डेज सी कंप्लीट 1/24, एक डे में कंप्लीट हो रहा है तो फाइव डे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/24 पार्ट। ठीक है, अब उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड भी दिया है, आफ्टर 15 डेज हाउ मच ऑफ द असाइनमेंट वुड रिमेन टू बी कंप्लीटेड 15 दिन के बाद। तो वन डे का तो मालूम ही है, तो 15 डे का निकाल लेते हैं। तो यहाँ ले सकते हैं पार्ट ऑफ असाइनमेंट कंप्लीटेड इन वन डे इक्वल टू 1/24। तो पार्ट ऑफ असाइनमेंट कंप्लीटेड इन 15 डेज में कितना कंप्लीट होगा, तो यह हो जाएगा 15 × 1/24। तो इसको काट भी सकते हैं, थ्री फाइव जा काट सकते हैं, ऐसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो 15/24 इसको छोटा चाहे कर सकते, 5/8 पार्ट। ठीक है, अब रिमेनिंग, ये तो इतना भाग 15 दिन में करते हैं, तो शेष कितना बचा, रिमेनिंग पार्ट आफ्टर 15 डेज। तो पूरा कंप्लीट टास्क का उन्होंने मुगन मान लिया, तो इसमें से जो है 5/8 को मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे, तो एलसीएम हो गया एल 3/8 पार्ट जो है आफ्टर 15 डेज पर बचेगा। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, एंड ऑल्सो प्लीज लाइक द वीडियो। थैंक यू।